शुरू होती है, ये तारीखों के लिहाज से बात कब शुरू होती है कि भाई उनकी कुर्सी पर खतरा है, ये कहां से मसला शुरू होता है, इसकी शुरुआत कहां से है? यार देखिए, ये तो जिस दिन वो बने थे ना उस वक्त भी था ये, अच्छा क्योंकि जका ये पाकिस्तान में वन पार्टी रूल नहीं है। जैसे आप क्या बीजेपी की सेंटर में हुकूमत है, ऐसा नहीं है। जब इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आई है तो सारी ऑल अपोजिशन, सारी अपोजिशन इकट्ठी हो गई, 13-14 पार्टियां। तो जारी बात है, जितने ब्रेन होंगे, जितने मुंह होंगे, जितने दिमाग होंगे, जितने लोग होंगे, जितनी पार्टियां होंगी, हर कोई कोशिश करेगा थोड़ा थोड़ा जनाब, जिसको जो पीस अच्छा लगता है वो अपनी मर्जी का पीस ले जाता है। तो ये पहले भी, क्योंकि ये आसिफ जरदारी जो सबका सदर है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के को चेयरमैन है, उनके दौर में पहले भी जक्का अशरफ साहब जो है वो चेयरमैन रहे हैं पीसीबी के। तो अब ये शुरू से चल रहा था, ये कोई आज की बात नहीं है, ये पहले दिन से था। उस वक्त खैर नवाज शरीफ ने अपना पलड़ा, ऑब्वियसली नवाज शरीफ जान डालेंगे, शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई के फुल जेरे कंट्रोल, जेरे छाया है जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के एट प्रेजेंट। तो उस वक्त तो चला, ये काफी दिनों से चल रहा था, क्योंकि बकायदा जो मिनिस्टर ऑफ आईपीसी है, जो मैंने आपको बताया, उनके पास रिटर्न कंप्लेंट्स गई है बहुत सारी, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, ये जो शकील शेख साहब है ये इलेक्शंस में असरअंदाज होते हैं, बल्कि अपने लोगों को भी बहुत ज्यादा। और बल्कि आपको मैं मजे की बात बताऊं, जो एक लोता क्वेटा में हुआ था एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास, गवर्निंग बोर्ड का, उसमें भी जो नुमान भट्ट जो इस मैनेजमेंट कमेटी में भी है, जिन्होंने शकील शेख को हमेशा सहारा दिया, शेख साहब ने उनको भी जनाब इस्तेमाल किया। तो बहुत सारी शिकायत तो थी, लेकिन आपको ये क्लियर कर दूं, आईपीसी मिनिस्टर जो है उनके जेरे साया बजायर तो पीसीबी आता है, बट वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने ही एक उनका निजाम है, वो किसी की नहीं सुनते। एक्चुअली तो ऊपर से अहकाम आ गए, वरना आईपीसी मिनिस्ट्री कभी भी नजर बेटी को मैं नहीं समझता हटा सकती है या एक्शन ले सकती है। दो नाम जो गए हैं उसमें फ्रंट रनर जो है वो जा चुकी है समरी बंद लिफाफे में, एक जक्का अशरफ है, एक नजम सेठी है, लेकिन सोर्सेस कह रहे हैं जो तीसरा बड़ा नाम है, मैं आज फ्राइडे था तो ऑफिस जरा जल्दी बंद होते हैं, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, वो तीसरा नाम हो सकता है इन दोनों को सरप्राइज कर दे, ऊपर से वो नाम जो है वो आ जाए, यानी कि वो चेयरमैन बन जाए। क्योंकि एक दफा इनकी मैनेजमेंट कमेटी, लास्ट बार इनकी एक्सटेंशन हो चुकी है एक दफा ऑलरेडी, अब इलेक्शन जो है वो ड्यू है, वो तब ड्यू होता है जब आपके सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसे कहते हैं गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स हैं, जब वो तैयार होते हैं, दो नॉमिनेशन पीएम देता है, क्योंकि वो पैटर्न है क्रिकेट बोर्ड का। तो ये प्रोसेस सिर्फ शकील शेख साहब ने डिले करा दिया, ये इस महीने अगले 2-4 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आना ही आना है। ये आखिर जो आपने कहा कि कुछ शिकायतें हैं जो नजम सेठी साहब के साथ गई हैं आगे, क्या ये शिकायतें जो वो बयान दे रहे हैं उनसे जुड़ी हुई हैं? क्या ये शिकायतें इस लिहाज से भी हैं कि भाई वो बातें बड़ी बड़ी कर गए और हो कुछ नहीं रहा है? क्योंकि आप शुरुआत से एक बात कह रहे हैं कि चाहे कोई कुछ भी बोल ले पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी आएगा, चाहे कोई कुछ भी बोल ले एशिया कप श्रीलंका में होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी तरफ से बार बार कही गई हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या जो बड़े बड़े बयान उन्होंने दिए या अलग अलग मसलों पर जाकर जो बयान दिए वो रीजन थे, या जैसे शाहिद अफरीदी ने कहा कि भाई एक उम्र होती है किसी भी कुर्सी की, पता नहीं, मैं उससे बहुत ज्यादा इत्तफाक नहीं रखता जो शाहिद अफरीदी ने कहा, क्योंकि नजम सेठी साहब से पहले तो रमीज राजा उम्र में तो बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन कुर्सी संभाल ली, उन्हें भी नहीं आई। तो क्या इस तरह से सोच रहे हैं, मतलब इसके पीछे की जो मेन मेन जो रीजंस हैं इसके पीछे के सर, वो क्या है? और आप कब तक देख रहे हो कि अगर नजम सेठी साहब को ही दोबारा आगे बढ़ना है तो वो कब तक होगा, या कोई और आएगा तो अगले कितने दिनों में आप देख रहे हो कि चीजें जो है बदल जाएंगी? क्या क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई WTC के वक्त या उसके बाद, और शायद आप बताएंगे भी कि आप जा भी रहे हैं, आप मुझसे बता भी रहे थे, शेयर भी कर रहे थे कि भाई चीजें जो है उस तरफ भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या WTC के आसपास इससे पहले चीजें हो जाएंगी या इसके बाद चीजें होंगी नए चेयरमैन को लेकर के?
देखिए पहली बात तो यह है कि अभी नजम सेठी कंप्लीटली पिक्चर से आउट नहीं हुए, ये नहीं है कि वो बिल्कुल फारिग हो गए, एक चीज ये क्लियर कर लें। और ये बड़ा तेज है, ये अपने सोर्सेस सारे लगाएगा, और जारी बात है तगड़ा जर्नलिस्ट है, ये ऐसे नहीं है कि रमीज राजा की तरह सिर्फ इमरान खान पे डिपेंडेंट थे और छुट्टी होगी। रमीज आपको याद होगा बड़े बड़े बयान दे रहा था, मेरी कुर्सी पक्की, और मैं बार बार कह रहा था ये गया ये गया ये गया। तो भाई ये बात तो ये है, बाकी देखे ये इसी एक हफ्ते के दौरान जो है ना ये हो जाएगा। ये जो नया वीक स्टार्ट चुके, सैटरडे संडे जो है वो छुट्टी आ गई है, जो नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज है, और थाईलैंड पे WTC का फाइनल भी शुरू हो जाएगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंज आ जाएगी। एक नंबर टू जो आपने पूछा है कि क्या वजूहत बनी कि इसके बयानात है या थाईलैंड पे, देखें बयानात भी एक रीजन है, जारी बात है जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं। ही ऑलवेज ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, वो चिड़िया एक है, वो चिड़िया उड़ती रहती है, कभी बाज भी आ जाता है ना, चिड़िया जो है बेचारी इतनी सी होती है, बाज बहुत बड़ा होता है, कभी कभी बाज आ जाता है, हवा तेज चलती है, चिड़िया ग्राउंडेड हो जाती है। इनके ऊपर जो ज्यादा मसला है वो यही है कि इन्होंने क्रिकेट बोर्ड पे जब से संभाला है, इन्होंने इनके जो भी आगे है उनसे हुआ कुछ नहीं, ग्राउंड रियलिटी ये है, 0 = 0 = 0, कोई काम नहीं हुआ, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम हुआ, ना कोचिंग साइड पे कोई काम हुआ, ना कोई पाकिस्तान के डोमेस्टिक के वाले से। कॉपी पेस्ट तो रोहित साहब बड़ा आसान है, आप किसी भी मुल्क के उसको उठाएं और उसको कट पेस्ट करें, ऊपर रोहित जुबलान लिख लें, मोहसिन अली लिख लें, ABCD, प्रैक्टिकली इनसे कोई काम नहीं हुआ। फिर फाइनेंशियली बड़े मसले हैं, फिर इंटरवेंशन बहुत है पाकिस्तान के मुख्तलिफ, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ जो है अपना एसोसिएशन में बहुत ज्यादा पंगेबाजी है, पिंडी में इन्होंने बना दिए जिनको कोई जानता नहीं, यहाँ इस्लामाबाद में ये खुद आने की कोशिश कर रहे थे, कोर्ट पे आ गया, हर जगह ये अपनी मर्जी से चीजों को जो है ना वो मैनिपुलेट करते हैं। तो बहुत सारी शिकायतें इन राइटिंग, बहुत सारी शिकायतें इन राइटिंग इनके खिलाफ, वो मेरे पास पूरी है आपको भेज दूंगा, क्या इनके खिलाफ गई है, जिस पर मिनिस्टर ने ऑफिशियली, देखिए मैं फिर बता दूं, मिनिस्टर अपने पास से कुछ ज्यादा नहीं कर सकता जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आए। तो बात यही है कि जो पाकिस्तान में गेम चेंजर्स हैं वो चाह रहे हैं कि बस बहुत हो गई है, अब आगे बढ़ा जाए काफी चीजें। और फिर एक आखिरी बात, हमारे जो है ना क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया वो इसी तरह साइड लाइन पे चली है सारी जिंदगी। आपको अगर याद हो, चाहे वो 2004-05 का टूर हो, चाहे वो 11-12 जो आखिरी दफा हम आए हैं, एक दिन पहले तक लगता था खूनखार हुए हुए हैं, कुछ नहीं होगा, अगले दिन पाकिस्तान इंडिया पहुंच जाता था जी। तो ये याद रखे, जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसको भी इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना वो खराब किया, जो बड़ी स्मूथ चला करती थी इससे पहले।